जाता है, टूट जाता है और एल्कीन बना लेता है। सर मैंने आज एनसीईआरटी में पढ़ा सिर्फ कॉपर के साथ होता है करके। वही तो मैंने कॉपर का रिएक्शन नहीं बताया था, 300 डिग्री सेल्सियस और फिर 320 एटीएम, तो उसके साथ पता है क्या होता है, टूट जाता है और एल्कीन बना लेता है। हाँ बहुत विषम परिस्थितियों में बताया था उसमें। वही तो मैं बोला, देखो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना। तो आप बताओ, जब टूट जाएगा तो दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा तो जाहिर सी बात ऑक्सीडेशन हो गया। मैंने एक केस लिखवाया था ना। यस सर हाँ, तो ये सब है और अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आज मैंने पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चंस सेट लेकर आया हूँ, और थोड़ा सा कुछ पढ़ाने के बाद मैं डिस्कस करूंगा, तो कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं। एक बार मैं ग्रुप में रिमाइंडर कर दूँ। ये हो गया और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक दो मिनट रुको आप लोग, ठीक है, कुछ टाइम रुको, कुछ बच्चों को ज्वाइन होने दो, फिर स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, एक दो मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।
कितने लोगों को मोटिवेशनल आज स्पीच अच्छा लगा, काफी हर एक चीज एवरीथिंग। किसी को ना कुछ भी डाउट हो उसके बाद भी तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है? उसके बाद भी अगर टाइम मैनेजमेंट या फिर एवरीथिंग किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग हम लोग से भी पूछ लेना, समझे क्या आप लोग? यस सर। सर आपसे पूछेंगे कभी? हाँ मैं भी वहीं से हूँ, वही NIT IIT, तब देखा मैंने भी। ये है कि वो रिसेंट स्टूडेंट था पिछले साल का, तो काफी अच्छा एवरीथिंग, मतलब आप लोग के ऐसे लगता होगा कि पिछले साल ही कोई पास किया, तो कई लोग तो जानते भी होंगे जो पिछले साल 11th पढ़ते होंगे, क्योंकि तो एक दो क्लास तो साथ में लगाया है, समझे आप लोग? अरे सभी कोई बेस्ट है सुरेंदर, सभी कोई बेस्ट है, सबके पास पूरा फुल ऑफ नॉलेज है। आपको मतलब कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी ऑनलाइन से कम बेटर पाते हो, यहाँ पे आपकी हर एक डाउट बेहिजक कंप्लीट की जाती है, शायद आप लोग को ये भी पता होगा। यस सर। हाँ तो आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग बताना है क्या स्क्रीन विजिबल है क्या। जस्ट मैं फोन में भी एक बार मैं ज्वाइन हो जाता हूँ ताकि आप लोग के ना मैसेज वगैरह मुझे मिलते रहे। मैं फोन में भी एक बार ज्वाइन हो जाता हूँ ताकि आप लोग को मैसेज। सबको स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। अब ध्यान से आप लोग देखो, ध्यान से आप लोग देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आप लोग बताओगे क्या? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बताओ आप लोग। ये सब तो आप लोग को आइडिया है वेटेज का, ये सब आइडिया आप लोग को। सर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सर फिनॉल, फिनॉल। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। सिलेबस के बारे में आपको पता है? देखो इसमें ध्यान से देखो, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और राइमर टीमन रिएक्शन। तो आज ना आज हम लोग के सिलेबस में आज हम लोग राइमर टीमन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, क्लियर है? और एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कल मैंने आपको बताया था क्या, किस टाइप का एसिडिक नेचर है इसका? यस सर। लास्ट क्लास में बताया था ना कैसे आप लोग PKa, PKa सब चीज आप लोग चेक करोगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कोई आएगा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, इसके लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और भी अच्छे से होगा। यस सर। नाइट्रेशन आप लोग जानते हो क्या होता है? NO2 ऐड हो जाता है। सल्फोनेशन आप लोग जानते हो क्या होता है? HSO3 ऐड हो जाता है, यही होता है ना, यही सब होता है। आओ आज हम राइमर टीमन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो हम लोग ना कुछ प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। जरा ये बताओ, जरा फटाफट बताओ, सब चीज आप लोग को पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सर ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो अल्कोहल होता है ना वो ऑक्सीडेशन मेथड के भी थ्रू डिस्टिंगाइज होता है, ल्यूकास रिएजेंट के भी थ्रू और विक्टर मेयर के भी थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, ये जरा बताना आप लोग कि मान लो कि हमारे पास कोई एक अल्कोहल है C2H5OH और इसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, HX ऐड कर दिया और ZnH2 ऐड कर दिया, तो हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करें कि रिएक्शन सबसे फास्ट होगा? सर सेकंड, सेकंड वाला ना? यस सर। इसका जरा आप लोग बताओ, आप लोग को पता क्या होना चाहिए कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल। अगर मान लो हमारे पास HCl और ZnCl है तो ये आपको पता होना चाहिए कि यह जो ल्यूकास रिएजेंट होता है ना वो SN1 रिएक्शन देता है, तो SN1 रिएक्शन देगा तो जाहिर सी बात है OH की जगह क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। यस सर। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किसमें SN1 हो रहा है, किसमें SN2 हो रहा है, तभी आप लोग इजिली कर सकते हो, क्लियर है क्या? बना लो सब जगह कार्बोकेटाइन बना लो, जब आप लोग कार्बोकेटाइन बनाओगे तो देखोगे यह वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, देन फर्स्ट वाला। ऑप्शन थर्ड होगा ना?
यस सर। अगला देखो हमारे पास क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अल्कोहल। हमारे पास यह अल्कोहल्स है, वह पूछ रहा है कि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है HBr का। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ HBr का, जाहिर सी बात है H प्लस होगा और Br माइनस होगा, इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है जरा बताना आप लोग। ब्रोमीन माइनस है ना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को कौन लव कर सकता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाला ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले को नेगेटिव चार्ज वाला ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आप बताओ कि यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, और हमें माइनस वाला ऐड करना है। जाहिर सी बात है जो ग्रुप जुड़ा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो प्लस चार्ज बेकार हो जाएगा, मतलब कि क्या होना चाहिए बताओ जरा, माइनस एड हो रहा है ना, माइनस एड हो रहा है तो जितना ज्यादा यह स्टेबल होगा या फिर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा यह वाला स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही वाला हमारा सही होगा। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है ये जरा बताओ। यस सर। सर ऑप्शन वन, ऑप्शन वन क्योंकि सेम साइड सेट हो जाएगा, बेस होता तो ऑप्शन, वैशाली आपको नहीं समझ आ रहा है। सर ऑप्शन टू, रशी साहब बताओ। सर ऑप्शन टू। सानू ये सब मैंने करा रखा है। अब देखो, अब रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, जैसे कि मानो फिनॉल है ना, फिनॉल फिनॉल है ना, अब इसका यह बेंजीन रिंग है, अब इस बेंजीन रिंग पे जो भी रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जरा बताओ आप लोग। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग बोलेंगे, क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कोई एक फिनॉल है, कोई हमारे पास क्या है फिनॉल है, और फिनॉल के साथ साथ क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, क्लियर है। अब इसमें देखो, इस हाइड्रोजन में हमारे पास क्या है निकिल है, निकिल के साथ 175 डिग्री सेल्सियस पे क्या है टेम्परेचर है और 15 एटीएम प्रेशर है। तो जब ऐसे कंडीशन होगा ना कि हमारे पास मेटल होगा और मेटल के साथ साथ हाइड्रोजन होगा, जो अंदर वाला जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिख रहा है क्या, गायब हो जाएगा, और इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ, साइक्लोहेक्सेनल हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनल हो जाएगा, आई होप सबको क्लियर होगा, साइक्लोहेक्सेनल हो जाएगा, क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्या बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्या मेरी बातें क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है, ये चीजें आप लोग याद कर लेना। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास क्या है, यह ध्यान से देखो, यह हमारे पास क्या है OH है, और OH में मैंने क्या डाल दिया, मैंने CrO3 डाल दिया। अब बताओ कि क्या यह ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट है क्या, बोलो बोलो आप लोग। तो इसका क्या हो जाता है, इसका फिनॉल का क्या हो जाता है बताओ जरा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, दिख रहा है क्या, मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया बताओ जरा, दिख रहा है, क्लियर है क्या। सर दो साइड कैसे जुड़ गए डबल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन। अब पता है क्या, यहाँ पे जो हमारे पास ये क्रोमियम ऑक्साइड होता है ना, इसमें से एक ऑक्सीजन निकलता है और इस साइड भी जुड़ जाता है, तभी तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ जाना, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया ना। ये चीजें आप लोगों को कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें अगर कोई पूछेगा कि फिनॉल का ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या बनेगा, तो फिनॉन बनेगा, क्या बनेगा, फिनॉन बनेगा, फिनॉन। अब यह कुछ ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाता है, क्या जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मान लो कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है फिनॉल है, क्या है बताओ बच्चों, फिनॉल है, और फिनॉल में मैंने ब्रोमीन डाल दिया, और ब्रोमीन के साथ वाटर डाल दिया, जरा बताओ वाटर पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है सर, पोलर सॉल्वेंट है, क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो जब भी हम Br2 और पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे भी माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे भी माइनस चार्ज आएगा। तो हमारे पास पता है क्या,
कि हमारे पास तीनों जगह क्या ऐड हो जाता है बताओ जरा। ब्रोमीन ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है? ब्रोमीन ऐड हो जाता है। इसको जरा आप लोग इम्पोर्टेंट करो, कॉपी पे लिखो, इसको कॉपी पे लिखो। लिखिए आप लोगों ने। यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। याद रहे कि इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? अगर कहीं भी हम लोग क्लोरीन, प्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहीं भी हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हमारे पास ब्रोमीन हो और ब्रोमीन के साथ वाटर हो, वह कहाँ कहाँ ऐड होगा जरा बताओ? आर्थो पे और पैरा पे, और तीन जगह। और इसका क्या नाम होगा? नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या नाम होगा जरा बताओ बच्चों? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्या होगा? ट्राई ब्रोमो फिनॉल। फिनॉल। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। ये चीजें आप लोग एकदम याद कर लेना, ठीक है? ये चीजें आप लोग एकदम याद कर लेना। अब देखो, अब सेम हमने ले लिया फिनॉल। क्या ले लिया हमने? फिनॉल ले लिया। और फिनॉल के साथ हमने इस बार भी क्या लिया? ब्रोमीन लिया। लेकिन इस बार जो मैंने सॉल्वेंट लिया ना, वह नॉन पोलर लिया। कौन सा सॉल्वेंट लिया जरा बताओ? नॉन पोलर, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड। दिख रहा है क्या? तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे ना, तो हमारे पास जो ब्रोमीन है ना, केवल और केवल कहाँ पे ऐड होगा जरा बताओ? पैरा पे ऐड होगा। कहाँ पे ऐड होगा? पैरा पे। पैरा पे ऐड होगा। किसको हम लोग बोलेंगे? पैरा ब्रोमो फिनॉल। तो सिंपल सी आप लोग एक बात बताओ आप लोग सिंपल सा, यह आपको दिख रहा है कि हमारे पास बन गया पैरा ब्रोमो फिनॉल। अगर मान लो कि हमने पोलर सॉल्वेंट डाला होता तो क्या बनता? हम लोग पोलर सॉल्वेंट ऐड किए होते तो क्या बनता जरा बताओ? अरे पोलर सॉल्वेंट डाल देते तो क्या बन जाता? सिल्वर। क्या बन जाता? 7, 4, 6 ब्रोमो ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 2, 4, 6 1, 4, 6 नहीं, 2, 4, 6 ठीक है। और ये जो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल होता है ना, यह व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर का होता है। क्लियर है? किस कलर का होता है बताओ जरा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर मैं आप लोग को एक बात बताऊं ना, कि आपको जेई मेंस और एडवांस में अच्छे मार्क्स पाने हैं ना, तो आपका क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता है ना, प्रणव को मैंने ही पढ़ाया था। याद है आप? यस सर। क्या बताया ना प्रणव आपको? यस सर। नहीं पढ़ाया था? और उसके ना 99.67 परसेंटाइल थे, और उसने उसके एडवांस में 199 मार्क्स थे। मेरे पास अभी भी उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ, जब उसका रिजल्ट आया तो सेंड किया था। और क्या बोलते हैं कि अभी मैं, जैसे आप लोग ग्रुप में अपने मार्क्स भेजते हो ना पर्सनली, आप लोग अपने मुझे मार्क्स भेजते हो ना अपने, वो भी अपने पर्सनली मुझे मार्क्स भेजता था। बोलो तो मैं उसके मार्क्स भी दिखा दूंगा, कितने मार्क्स आए उसके। मैंने लास्ट में बोला था ना कि उसके भी मार्क्स ऐसे ही आते थे इस टाइम पे, लेकिन ना इस टाइम से जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर इस टाइम से आप लोग सही से 3 महीने अच्छे से यूज कर लो ना, तो वो सबसे बेस्ट वाला टाइम है। और फिर किसी ने पूछा था कि आईआईटी दिल्ली क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि ब्रांच मैटर करता है। आप लोग पता है सीएस का पैकेज कितना ज्यादा होता है, चाहे किसी भी चीज में। तो
उसने सीएस लिया, चाहे किसी भी आईआईटी अच्छे एनआईटी में भी सीएस मिल जाता तो भी वो सीएस लेता, वो सीएस के लिए ही गया था। और वह स्कूल के साथ निकाला, सबसे अच्छी बात यह है, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, स्कूल के साथ निकाला हो, समझे कि आप लोग। अभी भी 3 महीने टाइम है, अगर कहीं भटके हुए दिमाग इधर उधर है तो उसको कंसंट्रेट कर लो, फोकस कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, बहुत सही है। और जो प्रणव ने बोला ना 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका भी मैंने क्या बोला, अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर, 10 नवंबर तक तो फिनिश है, पूरी तरह से फिनिश है आपका, उसके बाद आपके पास 1.5 से 2 महीने टाइम है आपके पास। कॉन्टिन्यूस टेस्ट तो आपका सेशन चलेगा ही, क्रैश कोर्स टाइप का, बाकी सब चलेगा, ठीक है, समझे कि आप लोग। यस सर, यस सर, से मोटिवेट रहो, कभी भी डिमोटिवेट मत होना, कुछ भी नीड हो आप लोग मेरे से बातें कर लेना, पूछ लेना एल्डर ब्रदर से, ठीक है। देखो तो सिंपल सी क्रैश कोर्स किसके होते हैं, क्रैश कोर्स मतलब पता है क्या, वन शॉट जैसे नहीं होता है, वन शॉट, या फिर मान लो कि एक चैप्टर में ना 10 टॉपिक है और मैंने बताया कि एक चैप्टर का वेटेज एक ही क्वेश्चन का है, तो वो तीन चार टॉपिक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से क्वेश्चन आता है, तो क्रैश कोर्स में ना वही मेन चीजें पढ़ाया जाता है, समझे आप लोग। यस सर, ठीक है, यस सर, अब देखो अब है हमारे पास, देखो एक चीज होता है नाइट्रेशन, क्या होता है नाइट्रेशन, जरा बताओ नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है, मैंने ये आपको कई बार पढ़ाया है, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, क्या बताओ बताओ क्या होता है नाइट्रेशन का मतलब। सर NO2 जुड़ता है जिसमें तनु HNO3 से, सिंपल सी बात है ना, नाइट्रेशन भी इसमें 2 टाइप का होता है, पहला नाइट्रेशन होता है, पहला सिंपल सी बात इसमें पता है क्या, ध्यान से देखो कि नाइट्रेशन का मतलब होता है ना NO2 का ऐड होना, क्या होता है NO2 का ऐड होना, मान लो कि हमने फिनॉल ले लिया, क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, और फिनॉल में जब भी नाइट्रेशन कराना होगा ना आपको 2 चीजें लेनी है, एक होता है HNO3 और दूसरा होता है H2SO4, इन दोनों के मिक्सर से आपको पता है क्या बनता है, इन दोनों के मिक्सर से बनता है NO2 बनता है, क्या बनता है NO2+ बनता है। तो आप बताओ जब NO2+ बनेगा तो यह लोन पेयर है इसके पास, एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस आएगा, क्या मैंने ये बताया था क्या आपको, यस सर बताया था आपको, एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस आ जाएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस आ जाएगा, क्लियर है, किसी को डाउट है कुछ भी सर। हाँ, अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो NO2 है ना तो दो टाइप का नाइट्रेशन होता है, अगर जो हमारे पास HNO3 है ना इसको आप लोग क्या ले लो, इसको आप लोग डाइल्यूट ले लो, क्या ले लो बताओ जरा, क्या क्या मैंने इसको यूज किया, डाइल्यूट ले लिया, ठीक है, जब भी आप इसको डाइल्यूट लोगे ना तो या फिर आर्थो पे प्रोडक्ट बनेगा या फिर पैरा पे बनेगा, तो मैं बना दे रहा हूँ, या फिर जो NO2 है या फिर आर्थो पे ऐड होगा या फिर कहाँ पे ऐड होगा बताओ जरा, बोलो बोलो पैरा पर। अब जरा बताओ इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑर्थो वाला या फिर पैरा पर, हर टाइम ना पैरा वाला स्टेबल होता था, हर टाइम क्या होता था पैरा वाला स्टेबल होता था, लेकिन इस बार कौन सा स्टेबल होगा, ऑर्थो वाला, रीजन में बताता हूँ, रीजन ये बताओ क्या यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वो चाहेगा ना आर्थो पे रहना क्योंकि उससे अट्रैक्शन मिल रहा है, बताओ अट्रैक्शन मिल रहा है ना, तो जब भी हमारे पास नाइट्रोफिनॉल होगा ना तो वो आर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है, अट्रैक्शन मिलता है, क्या मिलता है उसको, अट्रैक्शन मिलता है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है, क्लियर है क्या मेरी बातें, यस सर मेरी बातें क्लियर है आपको, यह क्वेश्चन आप लोग बुक मार्क करके रख लेना, स्टार बना लेना यह क्वेश्चन। हाँ जी सर, इसमें आर्थो और पैरा पे एक साथ जुड़ता है या मतलब या फिर इसमें या फिर उसमें, देखो अगर मान लो 100 हमारे पास है ना, 100 है ना, तो
90 के आसपास यह बनेगा और 10 के आसपास यह बनेगा, तो इसीलिए इसको मेजर बोलते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम यही बन रहा है ना। यस सर। क्लियर है? देखो ऑप्शन तो इसके पास दोनों जगह है, दोनों जगह जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बन रहा है? ऑर्थो वाला बन रहा है, इसलिए उसको मेजर बोल दिया। क्लियर है मेरी बातें? मेजर मेजर इसलिए ना क्योंकि जो ऑर्थो वाला इसका जो प्रोडक्ट है ना, ध्यान से देखो तो इसका फोटो बना के ये बताओ कि यह फिनॉल है और ऑर्थो वाला यह देखो कुछ ऐसे बनेगा फोटो इसका, तो यह हाइड्रोजन से ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है, अट्रैक्शन करने लगता है, इसलिए ऑर्थो वाला इसका ज्यादा मेजर हो जाता है। समझे क्या आप लोग? क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? अब देखो नाइट्रेशन, दूसरा वाला नाइट्रेशन, यह भी हमारे पास फिनॉल है। अब भी इसमें पता है क्या, अब हम कॉन्क HNO3 लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे और HPSO4 लेंगे, तो अभी भी हमारे पास क्या बनेगा, NO2+ वाला ही बनेगा, बोलो जरा, ऐसे ही बनेगा ना। तो इस केस में ना, इस केस में ध्यान से देखना, इस केस में ध्यान से देखना, जो यह नाइट्रो है ना वह सेम ऑर्थो पे भी ऐड होता है और कहाँ ऐड होता है, पैरा पे भी ऐड होता है, ऐसे तीनों जगह ऐड होता है। अब जरा बताना मैं नंबरिंग यहां से करूं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसका नाम क्या होगा जरा बताओ आप लोग। 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसका एक कॉमन नेम आपको पता है क्या होता है, पिक्रिक एसिड। क्या होता है? पिक्रिक एसिड। तो इसका कॉमन नेम पता कर लेना क्योंकि वह बोलेगा ना कि पिक्रिक एसिड क्या है, स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा पिक्रिक एसिड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 नाइट्रोफिनॉल को ही क्या बोलते हैं, 2, 4, 6 नाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अगर ये बताओ डाइल्यूट HNO2, डाइल्यूट HNO3 होगा तो क्या बनेगा? डाइल्यूट HNO3 होगा तो या फिर पैरापेड होगा या फिर ऑर्थोपेड होगा? पैरापेड या ऑर्थोपेड। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे तो पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर। आगे बढ़ते, अभी होता नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन, ठीक है, इसका देख लेते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, ध्यान से देखो, हमारे पास यह फिनॉल है, फिनॉल है। अब इस बार इसने क्या डाला है, HNO2 डाला है, क्या डाला है, HNO2। और आपको पता होना चाहिए HNO2 का फोटो कैसे होता है, HNO2 का फोटो ऐसे होता है, मैंने बताया था ना, किस केस में बताया था, विक्टर मेयर टेस्ट वाले में बताया था, HNO2 ऐसे होता है। ये बताओ कि ये बॉन्ड टूटेगा तो OH- होगा और N+ ऐसे होगा क्या, बताओ जरा, ऐसे ही होगा ना, और या फिर यह जो N+ है या फिर ऑर्थोपेड होगा या फिर पैरापेड होगा, तो बताओ जरा मेजर वाला कहाँ पे बनेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, ऑर्थो वाला, पैरा वाला ना, पैरा पैरा वाला ना। और आपको यह पता होना चाहिए कि मान लो कि अगर हमारे पास किसी के पास डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, और बीच में क्या है हमारे पास, बताओ जरा, यहाँ पे ऐसे है तो क्या टॉटोमराइजेशन होता है, क्या टॉटोमराइजेशन, नाम सुना है आपने टॉटोमराइजेशन? yes, सुना yes, होगा। तो टॉटोमराइजेशन मैंने पता है क्या, यह डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यह जो डबल बॉन्ड है हट जाएगा और यह वाला डबल बॉन्ड हट जाएगा, दो पाई बॉन्ड हट के क्या बन जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। देखो यह टॉटोमराइजेशन होता है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ओ, और ओ के पास एच आ जाएगा, और यह वाला एच होता है, यह वाला एच यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन ऐसे हो जाता है। टॉटोमराइजेशन आप लोग 11th में पढ़े हुए, एक बार ना आप लोग ध्यान से देखना टॉटोमराइजेशन क्या होता है, क्लियर है, नहीं आएगा फिर से नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। यह देख लो, मान लो कि हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल है, इसमें इसने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। अब ये बताओ
H2SO4 में, तो जाहिर सी बात है यह एसिड है, एसिड है तो इसका क्या निकल जाएगा, एच प्लस निकल जाएगा। तो हमारे पास यह क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन बोलते हैं ना, बोलो जरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ जरा, सल्फोनेशन बोलते हैं। और सल्फोनेशन भी बच्चों दो तरीके का, अगर आप 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो आर्थो वाला बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तो क्या बनेगा, सल्फोनेशन पैरा वाला बनेगा। अगर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहा तो आर्थो वाला बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा तो क्या बनेगा, सल्फोनेशन पैरा वाला। तो टेम्परेचर बेस्ड होता है, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार, यहाँ तक क्लियर है सबको? आपको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं कई चीजें बताऊंगा आप लोगों को समझा जाए। कोल्बे सिंथेसिस देख लेते हैं, कोल्बे सिंथेसिस, ठीक है। कोल्बे सिंथेसिस में क्या होगा, सिंपल सी बात ध्यान से देखो, हमारे पास होता है फिनॉल, और फिनॉल में हम लोग डाल देते हैं KOH, यानी कि कोई भी बेस डाल देते हैं, और साथ साथ क्या डाल देते हैं, CO2 डाल देते हैं। तो पता है क्या, आप बताओ कि यह एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जो हमारे पास OH माइनस होता है क्या उसको निकाल लेता है क्या, जरा बताना। यस सर। तो यहाँ पे O माइनस बन जाता है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फोटो कुछ ऐसे होता है, ये जरा बताओ, इसके पे डेल्टा माइनस आएगा, इसके पे डेल्टा माइनस आएगा, डेल्टा प्लस किस पे आएगा, कार्बन पे आएगा ना, कार्बन पे आएगा। तो यह ऐसे जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, कार्बन पे ही तो अटैक करेगा ना, बोलो आप लोग। यस सर। तो पता है क्या बना देता है, कुछ ऐसे बना देता है, ई डबल बॉन्ड OH बना देता है। इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सैलिसिलिक एसिड, एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग बताओ जरा, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कोल्बे रिएक्शन, हम लोग कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। अगला आता है राइमर टीमन रिएक्शन, क्या आता है बताओ जरा, राइमर टीमन। अब देखो इसमें होता क्या है, यह रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में नाम देके पूछा हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा OH, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी एक बेस दे देगा, और इसमें हमारे पास क्या डाल देगा, CHCl3 डाल देगा, क्लियर है। इसके बाद प्रोडक्ट आपका पता है क्या बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ध्यान से देखो, OH बन जाता है, और यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे क्या लग जाता है, एल्डिहाइड लग जाता है, इसका नाम क्या है बताओ जरा, सैलिसिलल्डिहाइड होता है, क्या नाम होता है जरा बताओ, सैलिसिलल्डिहाइड होता है। ये चीजें आप लोग लिख लो, इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग लिख लो फिर मैं बताता हूँ। सानू आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन सर, हो गया। देखो यस सर, इसमें अगर राइमर टिक रिएक्शन होगा तो एक फिनॉल होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, और क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, सैलिसिलल्डिहाइड बनेगा, क्लियर है मेरी बातें, यस। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले जो हमारे पास यह होता है ना, सबसे पहले यह दोनों रिएक्शन करते हैं, बाद में इसका काम आता है, सबसे पहले यह दोनों रिएक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, और इसमें है जो KOH है ना, उसका हम OH माइनस ले लेते हैं। आप बताओ क्या यह बेस है क्या OH माइनस, तो एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा या, बोलो जरा। यस सर, एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, जब ऐसे ले लेगा तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस,
यह क्लोरीन है, यह क्लोरीन है और यह भी क्लोरीन है। क्लियर है मेरी बातें? अब देखो, यह क्लोरीन भी पता है क्या, इसको छोड़ के भाग जाता है। जब क्लोरीन छोड़ के भाग जाएगा तो आप बताओ क्लोरीन माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आएगा ना। यस सर। तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, खत्म हो गया बात, खत्म हो गया। अब ये बताओ कार्बन के पास बचा क्या? कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तो बॉन्ड बना लिया, दो ही इलेक्ट्रॉन बचे ना इसके पास। यस सर। दो सिग्मा बॉन्ड और दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बीन इंटरमीडिएट। यह क्या है बताओ जरा? कार्बीन। किसी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, यह क्या है? कार्बीन है। अब ये बताओ कि यह इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है? एफिशिएंट है। देखो यहीं पे गलतियां हो जाती है। आप बताओ, कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और आपका चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में मिलेगा, टोटल छह इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो यह इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करेगा। किसका काम करेगा बताओ? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करेगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर। अब सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो, अभी भी हमारे पास बेस है, तो बेस है तो क्या करेगा, इस OH को हटा लेगा, H को हटा लेगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्या? बोलो। यस सर। अरे डब्बे में बहुत सारे बेस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो यह ऐसे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस। इसके आठ पोजीशन पे क्या आता है बताओ जरा? कर सकता हूँ ऐसे? बोलो जरा, कर सकता हूँ। और yes, आपके sir. पास यह कार्बिन है ही, कार्बिन है, कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह वाला जाता है इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए। क्लियर है मेरी बात है? वह वाला कहाँ जाता है? उसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, और यह क्या बना लिया? कार्बन, क्लोरीन और क्लोरीन। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो बताओ? कोई डाउट नहीं ना। अब ये जरा बताना आप लोग, यह जो माइनस चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अरे यह वाला माइनस चार्ज कार्बन को दिया है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ जरा? माइनस। माइनस चार्ज, माइनस। अब ये यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा ही, होगा ना? होगा। तो देखो यह वाला बॉन्ड टूट के यह हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाता है? कार्बन के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है बताओ जरा? कार्बन के पास चला जाता है। ये बताओ कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखना आप। यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, इसके पास माइनस आ जाएगा बताओ जरा, क्योंकि हाइड्रोजन टूटा है ना। बोलो। अब यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और इसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ये आप लोग को स्टेप याद ही करना पड़ेगा। वो माइनस हो गया कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन। यहां तक किसी को कोई डाउट है बताओ जरा? यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब फिर से हमारे पास आएगा KOH। क्या आएगा? अभी भी इसमें हमारे पास बेस पड़ा हुआ है KOH। अब इसका जो माइनस चार्ज होगा ना, यह इस पे अटैक करेगा और एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। देखो जरा इस पे अटैक किया, यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे H है ही, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे अब एक OH हो गया। हो गया क्या यहाँ तक बताओ जरा? हो गया। अब फिर पता है क्या करता है, ध्यान से देखो। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, OH ऊपर बना देता हूँ, OH में ऊपर बना देता हूँ और यहाँ पे H बना देता हूँ।
अब यह जो माइनस है ना, यह वाला एक्स ले लेता है और इसके पास फिर माइनस आएगा, यह नीचे आएगा, इसको बाहर निकाल देता है। बहुत बड़ा खेला है यह। यहाँ पे आ जाएगा ओ एच और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और एच आ जाएगा। दिख रहा है कि आपको बन गया। ये बताओ इसमें ये कार्बिन किस क्या काम किया है, बताओ जरा। कार्बिन पूछेगा कि इसमें इंटरमीडिएट कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे? कार्बिन। कार्बिन कार्बिन पूछेगा कार्बिन किसका काम किया, इलेक्ट्रोफाइल का काम किया। किसका काम किया? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का काम किया। क्लियर है मेरी बातें? एक बार मैं और बता दूं क्या इसको, जरा बताओ आप लोग। सर बता दो। हमारे पास यह है बेंजीन, सॉरी फिनॉल है, और फिनॉल में हमें क्या मिला है, के ओ एच मिला है, और इसमें क्या मिला है, सी एच सी एल थ्री मिला है। तो हम लोग को क्या बना है बताओ जरा, कुछ ऐसे बन गया है हमारे पास, ओ एच है और यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो, पहले तो यह दोनों रिएक्शन करते हैं, यह दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, कार्बिन बनाएंगे क्या? आओ देख लेते हैं। हमारे पास जो के ओ एच है ना, उसका ओ एच माइनस आता है और यहाँ पे हमारे पास क्या कर देता है, इस हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल ले जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन पे माइनस आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, यह क्लोरीन भी बाहर भाग जाता है, तो क्या बन जाएगा, यह कार्बिन बन जाएगा क्या? Yes, कार्बिन बन जाएगा, बताओ जरा आप लोग, कार्बिन इंटरमीडिएट बन जाएगा, बन yes, जाएगा sir. और यह कार्बन इंटरमीडिएट किसका काम करेगा बताओ आप लोग? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यह कार्बिन क्या होता है, कार्बिन ये बताओ, कार्बिन क्या होता है, कार्बिन क्या होता है, कार्बिन आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी होता है, इंटरमीडिएट भी होता है। क्लियर है मेरी बातें? बोलो क्लियर है सबको? अब देखो अब कार्बिन का काम क्या है, सिंपल सी बात, अब आता है फिनॉल। देखो अब ये बताओ कि हम डब्बे में के ओ एच डालेंगे तो के ओ एच कम थोड़ी डालेंगे, के ओ एच बहुत ज्यादा डालेंगे। तो पता है क्या होता है, इसका भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, वह भी के ओ एच क्या किया, ले गया, के ओ एच लेते गया, तो इसके पे भी माइनस आ जाएगा क्या? यस सर। और यह रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आठ पोजिशन पे माइनस आ जाएगा, बताओ जरा। यस सर। यस सर। आठ पोजीशन पे माइनस चार्ज जाएगा। अब यह माइनस चार्ज क्या करेगा, जो हमारे पास कार्बिन है, यह इलेक्ट्रोफाइल है, यह माइनस चार्ज अपना इसको दे देगा, जब इसको दे देगा तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब देखो यह जो माइनस चार्ज है ना, वह ले लेता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे ले लेगा तो कुछ ऐसे बन जाता है। क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज जब फिर से रेजोनेंस में चला जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। क्लियर है? अभी भी डब्बे में क्या मौजूद है बताओ जरा? KOH। KOH मौजूद है। तो अब ये KOH पता है क्या करता है, यह कार्बन पे अटैक करता है। देखो अब कार्बन पे अटैक करेगा तो किसी ना किसी एक को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा क्या? यस सर। एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लोरीन बचा रहेगा। क्लियर है मेरी बातें? किसी को कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, अब यह जो OH है ना, OH कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो यह जो माइनस चार्ज है ना, वो क्या कर लेता है, इस H को H ले लेता है और इसके पास जो माइनस चार्ज आएगा यह क्या हो जाएगा, इस बाहर निकाल देगा। क्या बन जाएगा बताओ जरा, क्या सैलिसिलल डिहाइड बन जाएगा क्या? ये बताओ क्या यह वाला काम पैरा से भी हो सकता था, पैरा वाले से भी? अरे पैरा वाले से भी हो सकता था ना, बोलो जरा।
लेकिन पता है क्या, आर्थो वाला मेजर होता है। क्यों मेजर होता है? क्योंकि यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? पैरा वाला की ऑर्थो वाला क्यों मेजर होता है? क्योंकि वहां पे भी हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गौरव है क्या, गौरव क्यों नहीं आ रहा है? गौरव तो है तो भैया। आदित्य क्या बोल रहे हो? अरे थाल मिल गया बिहार से ही। आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। देख लो अगर वही हमारे पास कुछ देख लेते हैं। हाँ। जरा बताओ ये सब का सब बताओ जरा क्या होगा। आदित्य अपना माइक बंद कर लो। आदित्य अपना माइक बंद कर लो। पहले तो नहीं है, दिए रहता है घर में। आदित्य बोल रहा है कि मैंने आदित्य को भी म्यूट कर दिया। ये सब के सब पी वाई क्यों है? आप लोग आंसर बताओ इसका। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया बताओ आप लोग। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, इसमें दो कंडीशन है, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, हमारे पास यह हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन के साथ साथ हमारे पास क्या है, NaOH है और यहाँ पे अल्कोहल है। तो क्या हम इसको एल्कोहलिक NaOH बोलेंगे क्या, बताओ जरा? एल्कोहलिक NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH बोलेंगे? आप एल्कोहलिक NaOH में क्या होता था, इलिमिनेशन होता था, बताओ? यस सर, इलिमिनेशन होता था ना। तो ऐसे एल्किन बन जाएगा, बताओ जरा? क्लियर है, एल्किन बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये आप लोग बताओ, जब एल्किन बन गया, एल्किन बन गया तो अब देखो प्रोडक्ट इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्रोडक्ट ए बोल दिया। क्या बोल दिया हम लोगों ने? प्रोडक्ट ए। अब जो प्रोडक्ट ए है ना, उसका दो तरीके से रिएक्शन कराना है, एक H2O और इसके साथ। आप बताओ H2O और H+ के साथ करेंगे तो कौन सा रिएक्शन बनेगा? क्या यह SN1 रिएक्शन देता है? यस सर। तो बताओ जरा क्या बनेगा? तो आप बताओ SN1 रिएक्शन देगा और कौन सा रिएक्शन देगा? मार्कोनिकोफ होता है। तो आप बताओ OH कहाँ पे जुड़ेगा, 1, 2, 3 कौन से नंबर पे जुड़ेगा, जरा बताओ आप लोग। 2 पे जुड़ जाएगा, 2 पे। क्लियर है? अब दूसरे केस में लिखा हुआ डाइबोरेन। डाइबोरेन का क्या मतलब है, B2H6 या फिर BH3 जो भी आप मान लो। अब ये बताओ क्या इसमें परऑक्साइड दिया हुआ है, तो इस केस में कहाँ पे जुड़ेगा बताओ? 3 एंटी मार्कोनिकोफ होगा ना। यस सर। क्लियर है मेरी बातें? तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन, बताओ ABCD।
ऑप्शन बताओ, सिर्फ प्रोडक्ट बी है और यह प्रोडक्ट सी है, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन थ्री, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ना। अरे प्रोपेन टू ऑल है, तो सिंपल सी एक बात बताओ आप लोग, अगर ये बताओ कि इसमें आपको नोमेनक्लेचर होगा तब पता चलेगा, सब चीज का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जो है ना वो मिक्स होता है, मतलब कि पूरा का पूरा पता होना चाहिए आपके लिए। ठीक है रे मेरी बातें? यस सर। चलो आप लोग इसका आंसर बताओ, ये देखो पहले वाला जो बोला है ना कि डोमिनेशन ऑफ फिनॉल, यानी कि हम जो फिनॉल लेते थे ना, फिनॉल उसका में हम क्या डालते थे, Br2 डालते थे और क्या डालते थे, CH2 डालते थे, उसमें क्या बोल रहा है कि लेविस एसिड रिक्वायर होता है ताकि वो क्या हो सके, हमारे पास पोलैरिटी जनरेट कर सके। तो पहला कंडीशन गलत है, इसमें कोई भी हम लोग लेविस एसिड नहीं डालते हैं, कुछ भी डालते हैं क्या लेविस एसिड, कुछ भी नहीं। लेकिन वही जो हमारे पास दूसरा होता है, दूसरा केस, यानी कि लेविस, जो लेविस एसिड कैटलिस्ट होता है ना, वह क्या करता है, जेनरेट B+ जेनरेट करता है। यह पता है क्या होता है, यह ब्रोमीन वाटर के केस में होता है, उसमें हम लोग एसिड डालते हैं, H2 डालते हैं ना उसमें, ब्रोमीन वाटर। और इस वाले केस में हम लोग कुछ नहीं डालते हैं, इस वाले केस में हम लोग क्या डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं। और इस वाले केस में, इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना। ठीक है, तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, सही है। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो जरा ये बताओ आप लोग, ये वाला आप लोग बताओ, ये वाला आप लोग बताओ, सर पहला ट्रिकिक एसिड बनेगा क्या, सर प्रोडक्ट है ट्रिकिक एसिड, एक बार कोशिश करो देखो कितना आ रहा है। कोशिश करो आप लोग देखो कितना, सिक्स होगा आंसर, क्या आंसर सिक्स होगा, मैं मतलब आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, ये सब PYQs है। देखो पता है क्या, हमने टॉपिक तो पढ़ा दिया है लेकिन हम हर एक पॉसिबल रिएक्शन आपको नहीं पढ़ा सकते, जब हर एक पॉसिबल रिएक्शन नहीं पढ़ा सकते ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। देखो होता क्या है, ध्यान से देखो, आंसर हमारे पास यह फिनॉल है ना,
अगर हम इसमें कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो यह सल्फोनेशन की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ जरा, सल्फोनेशन की तरफ जाएगा, और सल्फोनेशन होगा ना तो जब कंसंट्रेटेड है ना तो SO3H ही तो सल्फोनेशन होता है ना, यही सल्फोनेशन होता है ना, और जब हम कंसंट्रेटेड यूज करेंगे ना तो आर्थो और पैरा दोनों पे यूज होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है बताओ जरा, आर्थो और पैरा दोनों पे यूज होता है, क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ए बोल देंगे। अब सिंपल सी बात है, इसमें बोला कि कॉन्क HNO3 डालो, कॉन्क HNO3 डालो, जब आप लोग कॉन्क HNO3 डालोगे ना यह पता है क्या, यह सब का सब हटा देता है और उसकी जगह पे क्या लगा देता है, नाइट्रो लगा देता है, क्या लगा देता है, नाइट्रो लगा देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं ना, बताओ जरा बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। देखो हमने आपको थ्योरी तो बता दिया है, अब आपको ना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन उतने आपके माइंड में फिक्स होता जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है, तो ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, और ये सब का सब क्या है आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसको आपको वैल्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो एक बार बताओ जरा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में टोटल कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बोलो आप लोग, कितने हैं, नहीं पता चला है, काउंट भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग, सिर्फ 14 14 है ना, कितना आंसर आएगा, 14 आएगा, कितना आंसर आएगा, 14 आएगा, नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग बता सकते हो, बताओ जरा जोन्स रिएजेंट क्या है, स्ट्रांग है या फिर वीक है, मतलब माइल्ड है या फिर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांग, बताओ आप लोग, स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग है, जो जोन्स है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये चीज बताओ आप लोग, स्ट्रॉन्ग है और KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों तो सेम काम करेंगे ना, यस सर, सेम काम करेंगे, अब जरा बताओ जब सेम काम करेंगे तो वो 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना, यस सर, यस सर, कार्बन का एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्लियर है मेरी बातें, और उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला क्या दिया हुआ है बताओ, क्या लास्ट वाला हमारे पास NaOH और CaO दिया, क्या इसी को सोडा लाइम बोलते हैं ना, सोडा लाइम, और यह किसका काम करता है, डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है, अरे डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हटा देगा क्या, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, CH4 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, 6 से बन जाएगा, क्लियर है मेरी बातें सबको, मेन yes, प्रोडक्ट क्या बनता है, मीथेन बनता है, ठीक है, मीथेन बनता है, किसी को कुछ भी डाउट है, अगर मान लो यहाँ पे एक और होता CH3 CH2 CH2, तब क्या बनता बताओ जरा, तब एथेन बन जाता, ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन क्या बन रहा है, ये बताओ कौन सा रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, कौन सा रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, देखो यह हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है, HCl है इसको हटा सकता है, यह भी पॉसिबल है, लेकिन यह HBr है ना,
तो पता है कहाँ पे ऐड होगा, यह या फिर यहाँ पे ऐड होगा या फिर यहाँ पे ऐड होगा, जबकि कहीं ऐड ही नहीं किया, इसी को हटा दिया है। यह वाला जो है ना पॉसिबल नहीं, फर्स्ट वाला जो है क्या है पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन का वैरायटी देख रहे हो। ये जरा बताओ हमारे पास टू स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट देखो, टू स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पिक्रिक एसिड 246 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, क्या यह सही है कि गलत है? False. क्योंकि पिक्रिक एसिड क्या होता है, टू नाइट्रोफिनॉल होता है ना। Yes. अब लिखा फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉन्क HNO3 टू गेट पिक्रिक एसिड, जरा बताओ यह सही है कि गलत है। मान लो कि हमारे पास फिनॉल है और हमारे पास क्या है दूसरे पोजीशन पे सल्फोनिक है, और इसके साथ क्या किया गया है कॉन्क HNO3 डाला गया है, तो क्या मिल गया, पिक्रिक एसिड मिल गया, बताओ यह सही है कि गलत है? सही है। नो सर। अरे सही है ना, अभी इसके पहले हम लोगों ने दो दो तीन रिएक्शन पहले ही तो किया है ना। लेकिन इसमें दो ही है। अरे अभी दो तीन रिएक्शन पहले किया था, दिखा रहा हूँ आपको, यही किया था ना मैंने, देखो ये अभी तो वही है ना 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, और इसमें हमने कॉन्क HNO3 डाला तो पिक्रिक एसिड बन गया ना, पिक्रिक एसिड क्या होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। तो स्टेटमेंट टू क्या है हमारा सही है, तो फर्स्ट गलत है सेकंड सही है, कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट वाला। यस सर। ऑप्शन ए। इसका बताओ जरा आप लोग, इन राइमर टीमान रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलाइड थ्रो एन इंटरमीडिएट, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट इज, बताओ जरा। अभी मैंने बताया था ये मैंने आपको बताया हुआ है सर, ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर नहीं, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है कि हमारे पास यह एक कार्बिन हुआ करता था, हुआ करता था, और यहाँ पे क्या था फिनॉल था, मैंने बोला फिनॉल का एच जो है गायब हो जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, यही बोला था ना, फिर एक केस आता है यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाता है एच क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे भी तो अभी भी तो माइनस ही रहता था ना वहां पे। Yes, बोलो बोलो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ाया ये। ये बताओ ये वाला केस आप लोग को दिख रहा है? Yes, sir. ये ग्रीन वाला केस। अब इस ग्रीन वाले केस में क्या यहाँ पे माइनस है, और जाहिर सी बात है हमने जब NaOH लिया है तो जो Na जो होता है वो प्लस होता है, तो चिपका रहेगा यहाँ पे, बोलो। Yes, sir. इंटरमीडिएट बना ना हमारे पास, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही था? फर्स्ट वाला सही था। Yes, sir. क्लियर है, फर्स्ट वाला सही था। तो राइमर टीमन रिएक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह नाम लेके पूछा हुआ है, वह डायरेक्टली नाम लेके पूछा हुआ है। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। क्लियर है? Yes, sir. अब जरा आप लोग ये बताओ, ये बताओ कैसे उल्टा सीधा करके पूछा हुआ है, बताऊं क्या इसका मैं? यस सर। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे दिया CH3COOH, पहला हमने क्या डाला, पहला हमने LiAlH4 डाला, क्या बताओ जरा क्या बना देगा ये? अरे रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल नहीं बना देगा,
अल्कोहल बना देगा कि नहीं बना देगा, या फिर मैं बताऊं आप लोगों को कैसे बनाया अल्कोहल। देखो सिंपल सी बात है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, LiAlH4 डाल दिया, तो यहाँ पे H होगा H और H। अब ये बताओ H जाके यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा क्या, या एल्डिहाइड बना लेगा क्या? अब फिर इसमें अभी भी H होगा हमारे पास, बोलो फिर से जाके अटैक करेगा, अब क्या बना देगा बताओ जरा? कीटोन अल्कोहल बना देगा ना, अरे अल्कोहल बना देगा ना, यस अल्कोहल बना देगा। तो हमारे पास देखो क्या है, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया। अब दूसरा क्या डाला जरा बताओ, पीसीसी डाला है, तो पीसीसी का काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। अब ये ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा, इसको 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा क्या? अरे नहीं समझ आ रहा है। पीसीसी क्या है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट यही होता है ना, तो अब एल्डिहाइड बना देगा ना, बताओ जरा? यस सर, एल्डिहाइड बना देगा। अब इसमें हमारे पास डाल दो, आपको क्या डाल दो, HCN डाल दो और OH- डाल दो, तो जो CN पे माइनस होता है वो जाके यहाँ पे अटैक करता है और बाहर निकल जाता है। तो ध्यान से देखो क्या बना लेता है, कुछ ऐसे बना लेता है, CH3 सी OH बन जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, CN बन जाता है, यहाँ पे H रहता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। अब देखो इसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या डाला है, लास्ट में डाला H2 और OH- डाला, ध्यान से देखो H2O और OH-, यह ऑक्सीडेशन का काम करता है। और यहाँ पे आपको पता है CN को ऑक्सीडेशन क्या बना देता है, बताओ जरा? अगर CN को ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर क्या होगा? अरे CN को ऑक्सीडेशन मैंने आप लोग को एक रिएक्शन में बताया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यस सर, एक बार मैंने बताया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर, नो डाउट। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दो, ठीक है? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताओ, क्या थर्ड वाला ऑप्शन सही है क्या? यस सर। डाउट है किसी को कुछ भी? कोई डाउट नहीं, मतलब आप प्रैक्टिस के मजा नहीं आएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा वो है हमारे पास, मैं इसको एक बार सम करता हूं और आपका आपके पास वो करता हूं मैं, या हमारे पास और मैं ना PYQ का आपका वो ऐड कर, मतलब मैं ओपन करता हूं PYQ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो ये सभी के सभी PYQ ही थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि और भी हमारे पास PYQ है, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे और डील करेंगे। अभी 3 से 4 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग बाइंड अप करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस किया करो, बिना प्रैक्टिस के मुश्किल है, और ऑर्गेनिक तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना बताता हूँ ना, जैसे जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है ना, सेम ऐसे ही है, चाहे कितना भी बता लो, वो चाहेंगे कि वही का वही आए, लेकिन वही का वही नहीं आता है, सेम का सेम नहीं आता है कभी भी। मैं इस सेशन को ऐड कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस मैंने बता रखे थे आपको, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो मैंने लास्ट वाला कराई दिया, अब ये वाला क्वेश्चन मैं करा दिया। ये बताओ कि आप लोग को क्वेश्चंस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं जरा? इसका मेजर प्रोडक्ट बता दो, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? आपको पता है कि जब हम एक्वस NaOH या फिर एक्वस की, देखो अगर एल्कोहलिक ऐड करेंगे तो इलिमिनेशन होगा, और एक्वस ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा ना, सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा बताओ जरा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और SN1 होगा, SN1 होगा। तो आप बताओ SN1 होगा तो कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा, 1, 2, 3, 4 कौन से नंबर पे बनेगा, सेकेंड वाले पे, अरे जहां से क्लोरीन SN1 बनेगा ना। आपको देखना है कि यह एक्वस है कि अल्कोहलिक है, अगर अल्कोहलिक होता तो इलिमिनेशन होता,
और एक्वस है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लियर है। यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यह पॉजिटिव रीअरेंज होके कहाँ पे आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा, ताकि उसको क्या मिले, और भी स्टेबिलिटी मिले। अब यह बताओ यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो OH यहीं पे जुड़ेगा ना। यस सर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। यस सर। तो कभी भी ना इसको टफ मत बनाना, आप लोग देखते रहो कि क्या हो रहा है। चलो इसका जरा आप लोग बताओ, इसका आप लोग बताओ जरा। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास HNO3 और H2SO4 है, तो क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। और नाइट्रेशन कौन से पोजीशन पे मेजर होता है बताओ जरा, पैरा पोजीशन पे होता है ना, तो पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। यह हमारा रहा प्रोडक्ट ए। अब प्रोडक्ट बी में इसमें हमने ब्रोमीन डाल दिया, वो भी एक्सेस में। आप बताओ जब ब्रोमीन डाल दिया एक्सेस में तो वह ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होता है, आर्थो और पैरा पे ऐड होता है, तो पैरा वाला जगह तो ब्लॉक है ना, यह वाला जगह क्या है, ब्लॉक है, तो केवल और केवल कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे ऐड होगा, क्लियर है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो यह सही है, पहला वाला इसमें भी सही है ना, फर्स्ट वाला ही सही है। तो जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारोगे, तब तक मुश्किल है, और टाइम सबके पास उतना ही होता है, तो आपको मैनेज करना है सेम। चलो आप लोग जरा इसका बता दो, ये बताओ कॉन्क H2SO4 और हीट का क्या 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 काम करता है, क्या डिहाइड्रेशन का काम करता है क्या? यस सर। डिहाइड्रेशन का काम करता है, कहां से वाटर निकालेगा, या फिर देखो 1, 2, 3 कौन से पोजीशन से निकालेगा, या फिर फर्स्ट से निकालेगा या फिर थर्ड से निकालेगा। यस सर। तो यह रहा हमारा प्रोडक्ट ए और यह रहा हमारे पास प्रोडक्ट बी, यानी प्रोडक्ट ए में इलिमिनेशन होगा। आप बताओ यह वाला भी सही है और यह वाला भी सही है, तो या फिर हमारे पास ए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, क्लियर है क्या। यह वाले बीच वाले तो होंगे ही नहीं, अरे ए वाले में यही इलिमिनेशन होगा ना, कि हमारे पास ज्यादा स्टेबल है किम बने। अब देखो बी वाला देख लेते हैं, बी वाला हमारे पास यह क्रोमिल क्लोराइड है और सॉरी क्या बोलते हैं, एसिल क्लोराइड है और क्या है हमारे पास, पीरिडीन है, यह दोनों है हमारे पास, कुछ इस तरीके के हैं। तो अब बताओ पीरिडीन क्या है, बेस का बेस है क्या पीरिडीन, पीरिडीन क्या होता है, अरे पीरिडीन मैंने बोला ना बेस होता है, मैंने कई बार बता दिया आपको। यस सर। बेस होता है, और जब बेस होगा तो सबसे पहले क्या काम करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, तो फिनॉल में या सॉरी एल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, ये माइनस बना लेगा क्या यहाँ पे बताओ। यस सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल, अब यह माइनस आएगा यहाँ पे अटैक करेगा क्लोरीन को, क्या कर देगा, निकाल देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से, कार्बन के पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। प्रोडक्ट बी भी हमें मिल गया क्या, बताओ जरा प्रोडक्ट बी कौन सा है, फोर्थ वाला है। yes, अरे फोर्थ वाला ही है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी और भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ क्या, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रीडली रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH का क्या मतलब है बताओ जरा, हमारे पास कौन सा ऐसा है जो रीडली रिएक्ट कर देगा। देखो C2H5OH पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन देख लो, मैं ऐसा है क्या करता हूँ, यहाँ का ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ का ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बताओ जरा कौन ऐसा है जो काफी इजीली से रिएक्शन कर लेगा।
कौन ऐसा है जो काफी इजीली से डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कर लेगा? सिंपल सी बात ये बताओ, NaOH क्या है, बेस है या फिर एसिड है? एसिड है या फिर बेस है, बताओ जरा। बेस। तो ये बताओ बेस है तो सबका एच निकालेगा क्या? यस सर। एच फाइव माइनस हो जाएगा पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में देखो क्या हो जाएगा, C6H5 है ना, इसका मतलब यह फिनॉल है, ओ माइनस ऐसे हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में बताओ बेंजील वाला है CH2O- O माइनस हो जाएगा। और फोर्थ वाले में बताओ बेंजीन रिंग सी टर्शरी है ना, टर्शरी यस सर, टर्शरी मिथाइल। अब जरा बताओ कौन सा वाला माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला ना, अरे ये रेजोनेंस की वजह से हो जा रहा है ना। यस सर, सेकंड वाला है ना। यस सर, बोलो आप लोग। तो सेकंड वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा, वही सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, दिक्कत नहीं। मैं आप लोग को यह डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, मैं सेंड करता हूँ आप लोग के ग्रुप पे। मेरा ग्रुप का नाम बता दो सक्षम। ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। मुझे नहीं लग रहा कि, मुझे लग रहा कि ऑर्गेनिक आप लोग को लग रहा है बोरिंग थोड़ा बहुत, बट बोरिंग मत बनाना, ऐसे ही होता है, या ऐसे ही होता है। तो आपको ना मेहनत करने की, डिफरेंट डिफरेंट क्लास मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, वही ना वैरायटी वाले क्वेश्चन। अगर वैरायटी वाले क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर आप लोग को बेकार ही लगेगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, और ये पढ़ लेना ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।